जो आज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है वो चुनाव लड़ेंगे, उनको हराना हमारा टारगेट है और हम हराएंगे। आज बीजेपी भी तो नई कांग्रेस है, 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के उनने लिए। मैं ये मानता हूँ कि नए शासन का आज ध्यान किसान की ओर, 300 रुपया सरसों पर मॉइस्चर के नाम पर कटौती करी जा रही है, ये साफ दिखता है कि किसान को शोषित करने का प्लान है। हरियाणा की राजनीति में सियासी सहयोगी से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने बीजेपी और जेजेपी अब एक दूसरे पर हमलावर हैं। 4.5 साल तक सूबे में एक साथ मिलकर सरकार चलाने वाली ये पार्टियां चुनावी मौसम में एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रही। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि करनाल विधानसभा उपचुनाव में वो एक मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे और उनकी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, वो है मौजूदा मुख्यमंत्री को हराना। मजबूत उम्मीदवार हम 10 की 10 पे उतारेंगे, बाई इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे, हमारा निर्णय है। और इसके अंदर हमारा तो एक ही टारगेट है कि जो आज इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है जी। वो चुनाव लड़ेंगे, उनको हराना हमारा टारगेट है और हम हराएंगे। तो करनाल की बात कर ले, सर पूर्व मुख्यमंत्री जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी जो पार्टी के उम्मीदवार हैं परिवार से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, और पार्टी की कोर जिसको जिम्मेवारी देगी वो चुनाव लड़ेगा, उसके अंदर चाहे जिम्मेवारी मुझे मिले चाहे किसी भी कार्यकर्ता को मिले जी। और पार्टी का एक ही उद्देश्य है, प्रदेश के अंदर हरियाणा की आवाज़ को जिताकर पार्लियामेंट में जगह दे, हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजे, इसके लिए लोगों के बीच में जाके वोट मांगे, और आने वाले भविष्य में कैसे संगठन की ताकत विधानसभा के लिए तैयार हो, मजबूत हो, बढ़े, उसके ऊपर। बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर भड़के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज तो बीजेपी खुद नई कांग्रेस बन चुकी है, 10 में से पार्टी के 6 उम्मीदवार कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा सबको पता चल जाएगा कि कौन किसकी बी टीम है और कौन सी टीम है। चौटाला ने इस दौरान मौजूदा सैनी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी नीतियों से साफ है कि ये किसानों का शोषण करना चाहते हैं। आज बीजेपी भी तो नई कांग्रेस है, 10 में से 6 उम्मीदवार कांग्रेस के उनने लिए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार आए नहीं हैं और पार्टीज के उम्मीदवार भी आने बाकी हैं। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। सर मंडियों में खरीद हो रही है, सर आपने फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को देखा है सर, पिछले साल 4-4.5 साल कई जगह व्यवस्था की देखो सामने आ रही है। मैं ये मानता हूँ कि नए शासन का आज ध्यान किसान की ओर नहीं है, 300 रुपया सरसों पर मॉइस्चर के नाम पर कटौती करी जा रही है, ये साफ दिखता है कि किसान को शोषित करने का प्लान है। आड़ती से परचेज छीन कर अपने कमीशन एजेंट्स को देना, ये साफ दिखता है कि चाहते लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एफएड के माध्यम से काम किया जा रहा है। अभी तो गेहूं आनी है, आज बैसाखी है और बैसाखी के इस पावन पर्व पर मैं मानता हूं सरकार को गंभीरता के साथ वीट परचेज के ऊपर भी अपना ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा ये किसान का सोना है तुरंत इसकी पूरी परचेज हर मंडी के अंदर हो और समय अनुसार उसके पैसे का भुगतान हो, मेरी मर्जी। बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार प्रचारित किया जा रहा है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना महज दिखावा है, ऐसा सत्ता विरोधी वोटों में बिखराव लाने के लिए किया गया है। हालांकि दोनों पार्टियां लगातार इससे खारिज कर रही हैं। शुक्रवार को दुष्यंत के भाई दिग्विजय चौटाला ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और कहा कि उन्हीं की छवि के कारण जेजेपी को नुकसान पहुंचा है और आज लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों के बीच और तेज जुबानी जंग देखने को मिल सकती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।